सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कन्हैया भरे और आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है मेरे ब्लॉग में, यानी कन्हैया भरे ब्लॉग्स में। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, मैं इस वक्त जो हूँ मैं गोरखपुर में हूँ, अपने गांव में आया हूँ। और गोरखपुर में एक नई चीज़, बहुत एक अच्छी चीज़ ओपनिंग हुई है। मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से आपने मुझे देखा कि मैंने मुंबई के रानी बाग में एक जू में वीडियो बनाया था, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। आपके आशीर्वाद से, आपने इतना प्यार दिया, तो उसी तरीके से आज जो है गोरखपुर में मैं आया हूँ और गोरखपुर में भी एक जू ओपन हुआ है, जिसका मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ये जू कैसा है। तो ये मैं पहुंच चुका हूं चिड़ियाघर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है, और चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है नज़ारा। तो 10 रुपये बाइक की पार्किंग का देना पड़ेगा, 2 व्हीलर का भी देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर है, और पार्किंग की सेवा जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। सो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, मंडे को जो है ये ज़ू जो है वो बंद रहता है, और पार्किंग की व्यवस्था मैंने आपको दिखाई दी, कितना रुपया लगता है कितना नहीं लगता है, 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का। चलिए चलते हैं अंदर। सो देखिए ये जो है एंट्रेंस है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर। और चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं टिकट की क्या प्राइस है। तो यहाँ पर आप आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है पूरे ज़ू का जो है वो मैप है, इस तरह से इसका एंट्रेंस है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से एंट्रेंस बनाया है, वहाँ सामने से आते हैं लोग, और चलिए देखते हैं फिर आगे। ओहो भाई, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, मतलब हमारा गोरखपुर जो है अब एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस का एक बन चुका है। अगर आप भी आना चाहते हो तो आप भी आके देख सकते हो यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और क्या इंटीरियर है यार, मज़ा आ गया, मतलब ज़बरदस्त इंटीरियर है। ये है आई थिंक सो वॉशरूम, और वहाँ पर भी एक थिएटर है आई थिंक सो, लेकिन वो चालू नहीं है। और यहाँ पे वॉशरूम है, पानी वगैरह पीना चाहते हो तो पी सकते हो। और ये देखिए नज़ारा भाई आपके आंखों के सामने यार, मतलब इतनी दूर से मैं यही देखने आया था। ये जो है 4 व्हीलर, अगर आप बुज़ुर्ग हो या फिर आप थक गए हो चलने के लिए, तो ये चीज़ जो है आपको ये पूरा ज़ू घुमाएगी, और ये आई थिंक सो पैसे भी लगते हैं, वो आपको टिकट काउंटर पर पता चल जाएगा। तो ये क्या है चलिए देखते हैं। ओके, तो ये जो पिंजरा है इसमें है मोर। सावन बागवन धीरे धीरे वो गाना है ना, काफ़ी मुझे याद आता है। तो यहाँ पर है मोर, मुर्गा नहीं है रे बाबा, मोर है मोर। हाँ ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से, इसको इसके बारे में आगे पढ़ना स्कूल में, ठीक है। ये देखिए एक तो दिख रहा है, दूसरा किधर है। तो यहाँ हमें देखने मिल जाएगा शेर, लायन पता नहीं देखने मिल जाएगा, चलिए देखते हैं, आपको दिखा दूँ जूम करके। ओह निकला निकला निकला, क्या बात है वो देखिए। अरे आजा 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 आजा, तो हमें यहाँ पे शायद लपट देखने मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण लैपर्ड भी जो है वो चुपचाप से एक छांव में बैठा हुआ है, देखिए आप स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो बता दो अगर आप ज़ू में आ रहे हो, या तो आप एकदम सुबह आ जाओ या तो शाम को आ जाओ, थोड़ी लाइक 2:30-3 बजे तक आ जाओ, एक घंटे में अगर आप घूम सकते हो तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो दोपहर के समय आराम करते हैं। तो चलिए देखते हैं और आगे हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो हमें अब देखने मिल जाएगा दरियाए घोड़ा, ये देखिए यहाँ पर आप इसके बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं। तो देखिए किस तरह से पानी में आराम कर रहा है, ऑफ कोर्स इतनी धूप है तो कहीं ना कहीं आराम ही करेंगे। ये तो और अंदर चला गया। देखिए कैसे जा रहा है अंदर, गायब। और ये है देखिए सोलतबिया, जो हमने मुंबई के ब्लॉग में भी देखा था रानी बाग में, और देखते हैं हमें सोलतबिया देखने मिलता है कि नहीं। देखिए कितने आराम से सोया हुआ है, देखिए
अगर आपको दिखाई दे रहा है तो किस तरह से अंदर वो सुलग बियर जो है आराम से सोया हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखने मिल जाएगा हिमालयन ब्लैक बियर, और इसके बारे में आप ये लंबाई चौड़ाई जो भी है आप पॉज करके उसकी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जितने भी हैं। फिलहाल वो बियर जो था सुलग बियर वो आराम से सोया हुआ है अपनी गुफा में, पता नहीं ये देखने मिलेगा कि नहीं, चले देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हिमालयन बियर के लिए, नहीं मतलब नहीं, बहुत धूप है ना, ऑफकोर्स बेचारे वो हमें थोड़ी देखने के लिए मिलेंगे, वो अपना आराम करें, हम फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर से हम ब्लॉग बना लेंगे अपना पानी की टाकी। और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या देखने मिलता है। तो देखिए वहाँ से हम चलते चलते आ रहे, वो वहाँ पर गेट था, वहाँ से गेट चलते 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 सारी चीज़ें देखते देखते यहाँ तक हम आए हैं। यहाँ है हिमालयन बियर जो कि हमें नहीं दिखाई दिया। अब हम चलते हैं इस साइड, यहाँ पानी वगैरह पीना है या वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बार्किंग डियर देखने मिलेगा और इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जैसे कि हमेशा अपने अभी तक दिखा है, बट बार्किंग डियर है भी नहीं अंदर, एक है बहुत दूरी पे वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ पर बहुत दूरी पे, नज़दीक में मुझे नहीं लगता कोई जानवर अब देखने मिलेगा। यार ऐसा क्यों हो रहा है, वो देखिए हट के अंदर भी बैठा हुआ है वहाँ पर अंदर। अगर आप आओगे तो आपको रियल आँखों से देखने का एक मज़ा ही अलग है। अगर आप नज़दीक में रहते हो कहीं पे गोरखपुर में, या गोरखपुर में रहते हो, गोरखपुर के और कहीं नज़दीक में रहते हो तो आपको एक बार विज़िट करना चाहिए, लेकिन याद रखना सुबह और शाम को ही विज़िट करना, दोपहर में मत आना, मेरी तरह गलती मत करना। सो यहाँ पर हमें देखने मिल जाएगा स्पॉटेड डियर, पता नहीं देखने मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत कम जानवर मुझे अभी तक देखने मिले। ये देखिए यहाँ पे दिख जाओ यार, कोई तो दिख जाओ यार, इतनी दूर से आए आपको देखने के लिए प्लीज़। तो ये देखिए सांबर डियर जो मुंबई के जू वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, और वो देखिए वहाँ सामने वो खड़ा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए वहाँ पर वो खड़ा है, कुछ खा रहा है। कहा था मैंने पहले कि धूप रहती है तो इंसान जैसे नहीं आना चाहते हैं धूप में, वैसे जानवर भी होते हैं बेचारे, वो भी धूप में नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चलो सांबर तो मुझे देखने मिल गया। और देखिए तो ये है देसी तोता, और आप देखिए ये जो देसी तोता है कैसे बैठे हुए हैं, थोड़ी लाइट मेरे तरफ से, हाँ ये देखिए कितने मज़े में बैठे हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो यही हाल है फिलहाल, चुपके चुपके तो नहीं है, सब कुछ देख के है। ये है लव बर्ड्स, लव बर्ड्स यार मैं थोड़ा रॉन्ग टाइम पे आ गया, आई थिंक सो मुझे सुबह आना चाहिए था, दिख नहीं रहे यार वो लोग। ये भी एक टाइप के बर्ड्स हैं, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, दिखा दूँ मैं आपको, अंदर हैं वो लोग, लेकिन इस तरह से जाल लगाया तो कि दिख, ये देखिए ये देखिए मिल जाएगा, क्या बात है, पूरी तरह से पैक करके रखा है इन्हें। और वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना, मुझे तो पहले लगा नकली है लेकिन असली है भाई बिला। ये देखिए ये सभी कैसे धूप से बचकर छांव में एक साथ में खड़े हैं, देखिए कैसे खड़े हैं, देखिए बेचारे किस तरह से छांव ले रहे हैं पानी के पास। वो देखिए वो लोगों को देखिए कैसे पानी पी रहा है, देखिए कैसे पानी पी रहा है, ये देखिए इनको किस तरह से यहाँ पर ये अकेले बैठे हुए हैं, ओहो क्या बात है। तो वहाँ पर वो देखिए उनके लिए छोटा सा घर बनाया गया है आराम करने के लिए, वो उसमें आराम करते हैं। ओहो हो बंदर साहब मुझे दिखाई दिए, बच्चे देखो कितना खुश होते हैं यार। देखो कैसे पानी पी रहा है, तो फिलहाल ये है मगरमच्छ, ये देखिए किस तरह पानी से बाहर निकल के देख, देखिए
तो चलिए कुछ खास दिखाता हूँ, आइए अंदर। तो चलिए फिर करते हैं एंट्री इसके अंदर। और यहाँ हमें देखने मिल जाएगा कोबरा, ये देखिए नाग कोबरा, और वो यहीं है, किस तरह से बैठा हुआ है आराम से एकदम। सबको ठंडक चाहिए यार, गर्मी का मौसम चल रहा है ना, सब आराम से जहाँ जिन्हें ठंडक मिलती है वहाँ बैठते हैं। और यहाँ पे देखिए चूहा, उसका भोजन चलो लगता है पेट भरा है, अभी तक उसने उसे खाया नहीं, अभी लगता है उसे पता ही नहीं है कि उन्हें भोजन डाला गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमें देखने मिल जाएगा वाइपर, ये भी एक सांप की प्रजाति है। तो ये वाइपर जो है हमें देखने के लिए मिलने रहा है, पता नहीं एग्जैक्टली है कहाँ। अच्छा, क्या बात है, यहीं है वाइपर, ज़बरदस्त है यार, क्या बात है। देखिए ये चीज़ अब जाके मुझे कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये देखिए यहाँ पे पाइथन है, और एक नहीं दो नहीं तीन तीन है, क्या बात है। वो देखिए कोने में है, देखिए यहाँ पे एक पाइथन है और दूसरा जो है वहाँ ऊपर बैठा है सामने, ये देखिए किस तरह से अपने आप को मस्त में फोल्ड करके बैठे हुए हैं। और तीसरा जो है उस कोने में बैठा हुआ है, वो देखिए। तो यहाँ पर जो है वो रेड स्नैक है, नॉलेज सी कहाँ है रेड स्नैक भैया, वो देखिए किस तरह से बैठा हुआ है लकड़ी के बीच में। ऐसे ही हमारे घर में भी एक बार बैठा हुआ था लकड़ी के बीच में, और देखिए क्या बात है, एक ही है। तो यहाँ मिलेगा दो मुहा सांप, जो कि अंदर है नहीं, हो सकता है आपके, हो सकता है आपके पहचान में कहीं पर हो। आपके पहचान में कोई है ऐसा है जिसे आप दो मुहा सांप समझते हो? इशारा समझ रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो है? तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इंसान के रूप में भी हैं जो दो मुहा सांप बन के बैठे हुए आपके लाइफ में। अगर ऐसा कोई है तो उसे निकाल फेंको, बहुत जहरीले होते हैं, इस सांप से भी डेंजर होते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भारतीय अजगर, ओके ओ क्या बात है, क्या बात है, रुको तो मैं आपको दिखाता हूँ भारतीय अजगर। ये देखिए किस तरह से बैठा हुआ है, चुपचाप से एकदम कोना पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई मैं तो आराम करूँगा बस, और कुछ नहीं। एक्वेरियम यू कैन सी है, मैं गोवा में गया हुआ था एक्वेरियम देखने, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्वेरियम था। बट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी एक प्रकार की मछलियाँ हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं, कोई अच्छी मछली अगर मुझे दिखाई दे तो मैं आपको दिखा दूँ। अबे एक्वेरियम भी खाली ऑलमोस्ट, देखिए किस तरह से, क्या क्लैरिटी है, वाह अब जाके अच्छा लग रहा है देख के। मछलियाँ जो हैं वो हमारे दिल के ऑलवेज करीब हैं, एक शांति के प्रतीक, शांत स्वभाव के। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे टैंक हैं जिनमें मछलियाँ नहीं हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ तो हुआ है बट वो है नहीं अभी। ये देखिए इसमें है फिलहाल, आई थिंक सो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शर्माओ मत, आ जाओ आ जाओ, हाँ ये ए, ए, क्या बात है, ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। टैंक्स में मछलियाँ हैं, बहुत सारे सारे टैंक्स में मछलियाँ नहीं हैं, उसमें मैंने थोड़ी मछलियाँ हैं। वैसे भी कुछ नहीं है, खाली 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 खाली। चलो चलते हैं बाहर, ये हो गया बाहर की ओर। सीरियसली बोलूँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरा इतना दूर आना वेस्ट ऑफ टाइम भी हो गया और वेस्ट ऑफ मनी भी हो गया, क्योंकि एक पहली बात तो मैं आया हूँ दोपहर में, जो कि मुझे खुद को पता था कि दोपहर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रहता हूँ और इतनी दूरी पे इतनी जल्दी यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं होता। तो भैया चलिए अब जाने का टाइम हो गया,
कुछ खास मज़ा नहीं आया, जिस तरह से मैं सोच के आया था कि भाई मुझे ये देखने मिलेगा, मुझे वो देखने मिलेगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखा जाए और मज़ा आया। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए कॉन्टैक्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मेरा वीडियो देखते रहिएगा। चलिए, टेक केयर, टाटा बाय।